हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू द क्लासेस ऑफ प्लानिंग। लेकिन यहाँ पर मैं पहले भी लिखा तो यहाँ पर हम आज कुछ पढ़ने वाले पढ़ाने वाले नहीं है। यहाँ हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं कि इग्नो ने अपनी एग्जाम की डेट्स को आगे कर दिए। इग्नो ने अपनी एग्जाम की डेट्स को आगे कर दिया। हम सब वेट कर रहे थे कि अभी असाइनमेंट की एक्सटेंशन की डेट आने वाली है, क्योंकि 30 तक लास्ट थी। लेकिन उसने यहाँ पर आज एग्जाम के असाइनमेंट्स की डेट को तो आगे नहीं किया, लेकिन पूरे एग्जामिनेशन को ही पोस्टपोन कर दिया टिल फरवरी 2021। आपने कहा सर फरवरी 2021 डेट एक्सटेंड हो गई है, फर्स्ट वीक क्लियर कर दिया है, द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021 बी योर एग्जामिनेशन डेट्स। ये एग्जामिनेशन किसकी हो रही है, कई बच्चों को डाउट्स है, व्हाई आई मेक द वीडियो। मैं इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं नोटिफिकेशन को, आप सब इंस्टा पे जाएंगे और वहां पे इस पोस्ट को पूरा क्लियर कर सकते हैं। ये इंस्टा आईडी @classilahu, आप जाके पूरी पोस्ट को क्लियर कर सकते हैं, वहां पूरी नोटिफिकेशन डाली हुई। लेकिन उस नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद भी कई बच्चों के डाउट होता है दिमाग में, इसलिए वीडियो लेके आया हूं। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए। ये एग्जाम किस किस लिए पोस्टपोन हुए, जिन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर थे जून में, क्या उनके पेपर दिसंबर होने वाले हैं दिमाग में, या जिनके फाइनल के पेपर आए हैं उनके लिए पोस्टपोन हुए। ये पोस्टपोन हुआ है हर स्टूडेंट के लिए जिसने दिसंबर में एग्जाम दे, क्योंकि इग्नो इस बार दिसंबर में एग्जाम नहीं ले रहा। ये कंफर्म कर दे गए ये एग्जाम्स होंगे आपके फरवरी फर्स्ट वीक में। अब फरवरी फर्स्ट वीक कंप्लीट डेट के लिए वेट कीजिए, इग्नो जल्दी अपलोड कर देगा। कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगी लास्ट डेट एग्जामिनेशन फॉर्म की या असाइनमेंट सबमिशन की। तो लास्ट डेट हो गई हमारी 15 दिसंबर, दैट मीन 15th of December 2020 बी द लास्ट डेट फॉर असाइनमेंट सबमिशन along with the next, that is the re-examination form, मतलब जो examination form जिसने भरे उनके लिए। अभी examination form किसने भरे, एक बड़ा क्वेश्चन कई लोगों के दिमाग में, सर हमें जून के लिए examination form भर दे तो अब उसका क्या होगा। अगर आपने जून में examination form भर दे तो आप सितंबर में पेपर नहीं दे पाए, ये दो या तीन पेपर दिए बाकी नहीं दे पाए, तो आपको दोबारा से फीस भरने की जरूरत नहीं है। That to be adjusted for your examination February. दोबारा क्लियर कर देता हूं, अगर आपने एग्जामिनेशन फीस भरी थी और ड्यू टू सर्टेन रीजंस आप पेपर नहीं दे पाए, आपने एक दो पेपर दिए बाकी पेपर नहीं दिए, तो आपकी वो नहीं फीस वहां पे एडजस्ट कर दी जाएगी। पूरा नोटिफिकेशन भी क्लियर है, सो यू गाइस नीड नॉट टू रीफिल दैट फी। तो यहां पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। तो रजिस्ट्रेशन जो है हमारा एक्सटेंशन हो गया टिल जून 2021, ये मेजर न्यूज है जो इस बार दी गई है। क्या क्लियर कर रहे, कई बच्चों का रजिस्ट्रेशन खत्म होता 2020 में, दिसंबर 2020 रजिस्ट्रेशन खत्म होता, तो उनको डाउट था कि सर अब हम कैसे करेंगे, हमारी तो रजिस्ट्रेशन लास्ट है दिसंबर में खत्म हो जाएगा, हम कैसे करेंगे। तो उनको एक्सटेंशन दे दिया टिल जून 2021 तक। आई रिपीट 2021 जून तक एक्सटेंशन मिल चुकी है सबको, तो किसी को टेंशन नहीं, जरूरत नहीं है कि यार मेरा तो दिसंबर पेपर था लास्ट था, मेरी एक्सटेंशन खत्म हो रही है, अब मेरा कोर्स खत्म हो गया। उनको 6 महीने की एक्सटेंशन पूरी दे दी है, तो जून 2021 तक एक्सटेंशन मिल गई है, मतलब फरवरी का अटेम्प्ट का जून का अटेम्प्ट मिल गया आपको। एक क्या मिल गया, एक बोनस मिल गया। आप बोनस क्यों मिला, हम सब जानते हैं कोविड की वजह से फॉर्म चल रही, तो वो हम फॉलोअप कर देगा। देन जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एग्जामिनेशन टू बी पेड टू बी एडजस्टेड फॉर द नेक्स्ट। जिन्होंने एग्जामिनेशन फी पे की थी, जैसा मैंने पीछे बताया कि जून में पे की थी सर, जून के लिए, जून 2020 के लिए हमने एग्जामिनेशन फी पे की थी, उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा कहां पे, आपके एग्जाम्स में। अब आते हैं उनकी जिन्होंने एग्जामिनेशन फी नहीं भरी थी, मतलब जून के लिए एग्जामिनेशन फी नहीं भरी थी, तो उनको उनको फीस जमा करवानी है गाइस। लास्ट डेट है 15 दिसंबर। हाँ, आप 150 पर पेपर के हिसाब से अपनी एग्जामिनेशन फीस जमा करवा सकते हैं। 15 दिसंबर तक का टाइम है, अगर अभी रुकना है तो आप रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लेंटी ऑफ टाइम, आराम से तसल्ली से आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। अब इसके बाद भी किसी को डाउट होता है, किसी को डाउट होता है कि मेरे असाइनमेंट के मार्क्स अभी तक नहीं आए, किसी को मेरा रिजल्ट अभी तक अपलोड नहीं आया, ये सब हो जाएगा गाइस, प्लीज बी काम, वेट कीजिए, सब कुछ अपलोड होगा धीरे धीरे, सब कुछ अपलोड हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। और किसी को अगर ये नोटिफिकेशन देखनी है कि इस नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना है सर हमें पता नहीं नोटिफिकेशन कहाँ है, तो आप इंस्टा आईडी पे जाएंगे, वहां पे मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। बाय गाइस।